सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम शतक की। राष्ट्रपति चुनाव से पहले रविवार को एनडीए की बैठक, मॉनसून सत्र पर भी हो सकती है चर्चा। मुंबई में आरए मेट्रो प्रोजेक्ट में देरी, निर्माण की लागत करीब 10,000 करोड़, पर ही आरए कॉलोनी में लौटेगा कारशेड। एक करोड़ में हुआ था मूसेवाला के कत्ल का सौदा, हर शार्प शूटर को मिले 5 लाख। मर्डर के दिन हत्यारों की गाड़ी में था 10 लाख कैश। नुपुर शर्मा को नूह के युवक की धमकी, जुबान काट कर लाने वाले शख्स को 2 करोड़ रुपए देने की घोषणा। हिरासत में झारखंड सीएम हेमंत के विधायक प्रतिनिधि, 15 ठिकानों पर 15 घंटे ईडी की रेड, 5 करोड़ से अधिक मिला कैश। पिछहत्तर नव विकसित एआई सक्षम रक्षा उत्पादों की होगी लॉन्चिंग, राजनाथ सिंह होंगे मौजूद। आरएसएस ने जाति तोड़ो अभियान को अब नए सिरे से मजबूती देगा संघ, प्रांत प्रचारकों की बैठक में घर घर संपर्क पर जोर। रक्षा निर्यात में भारत का नया रिकॉर्ड, साल भर में 13,000 करोड़ के हथियार बेचे, सरकारी से भी आगे रही निजी कंपनियां। केरल हाई कोर्ट की अहम राय, सहमति से संबंध के बाद शादी से इनकार पर नहीं बनता दुष्कर्म का केस। अमित शाह के बाद आज पीएम मोदी और जेपी नड्डा से मिलेंगे शिंदे, फडणवीस कैबिनेट विस्तार पर लगेगी मुहर। अमरनाथ में बादल फटा, श्रद्धालुओं की मौत की संख्या बढ़ी, 45 लापता तीर्थयात्रियों का बचाव राहत कार्य जारी। एमपी महाराष्ट्र में बारिश का हाई अलर्ट, राजस्थान गुजरात छत्तीसगढ़ में तेजी से आया मॉनसून, दिल्ली पंजाब में उमस भरी गर्मी। चंडीगढ़ के कार्मल कॉन्वेंट स्कूल में बच्चों पर गिरा पेड़, 10वीं की छात्रा की मौत, 19 बच्चे घायल, 250 साल पुराना हेरिटेज ट्री था। आनंद शर्मा की बीजेपी नेताओं से मुलाकात की अटकलों से कांग्रेस असहज, हिमाचल में नुकसान का डर। उद्धव ठाकरे बोले, शिवसेना को हमसे कोई नहीं छीन सकता, आज पीएम मोदी से मिले शिंदे और फडणवीस। कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड की जमानत खारिज, पर्याप्त आधार पर न मिलने पर हयात समेत 7 की जमानत को कोर्ट ने किया निरस्त। आजमगढ़ में क्रिकेटर सरफराज खान का हुआ स्वागत, बोले स्ट्रगल में अब्बू ने दिया साथ, कभी नहीं सोचा था रणजी में 100 रन बनाऊंगा। हिंदुत्व की मजबूती के लिए विहिप का मंथन, प्रयागराज में 23 और 24 जुलाई को होगी प्रांतीय बैठक, 5 लाख नए सदस्यों को जोड़ेगा विहिप। दुरंतो के टॉयलेट में बच्ची का जन्म, चलती ट्रेन में महिला को हुआ लेबर पेन, डॉक्टर न मिलने पर महिला पैसेंजर ने कराई डिलीवरी।
एसी का कंप्रेसर फटने से मकान में लगी आग। मेरठ के जैन नगर में सोया हुआ था परिवार, आग ने मकान को चपेट में लिया। रेलवे के अफसर ने फांसी लगाकर दी जान। सुसाइड नोट में लिखा, पिताजी मुझे माफ कर देना, मैंने आपके सपने को तोड़ा है। कन्नौज में सड़क हादसे में एक की मौत, सात लोग घायल, दो की हालत गंभीर, सैफई किया गया रेफर। बांदा में ट्रक ने एक युवक को कुचला, मौके पर ही मौत, चालक ट्रक को छोड़कर हुआ फरार, शव की नहीं हो पाई पहचान। महिला के कपड़े उतार कर की पिटाई किया गंजा, जमीन को लेकर चल रहा था विवाद, रस्सी से हाथ पैर बांधे। मेरठ में धागा बनाने की फैक्ट्री में लगी आग, 12 फायर ब्रिगेड ने 4 घंटे में आग पर पाया काबू। भदोही में ऑटो की टक्कर से युवक की मौत, सुबह हाईवे पार कर चाय पीने जा रहा था, तेज रफ्तार ऑटो ने मारी टक्कर। गुरु पूर्णिमा मेला को लेकर मथुरा के गोवर्धन में रहेंगे सुरक्षा के कड़े इंतजाम, 3000 पुलिसकर्मी संभालेंगे सुरक्षा व्यवस्था। फतेहपुर के आवाजीपुर में निकला मगरमच्छ, वन विभाग ने पकड़कर यमुना नदी में छोड़ा, ग्रामीण बोले विभाग आसपास के नदी में करे जांच। बैंक में चल रहा था अवैध वसूली का खेल, कर्ज देने के नाम पर हो रही थी वसूली, कर्ज धारकों में बैंक में किया हंगामा। अवैध संबंधों के शक में पत्नी की गला घोटकर हत्या, 8 साल पहले हुई थी लव मैरिज, 1 सप्ताह पहले मायके से ससुराल आई थी पत्नी। अलीगढ़ में मस्जिद के सामने से बारात निकालने पर फेंके अंडे, लड़कियों की शादी में बवाल, 4 के खिलाफ एफआईआर। लोहिया संस्थान में नहीं मिलेगा मुफ्त इलाज, 1 रुपए के पर्चे की जगह अब 100 रुपए से होगा रजिस्ट्रेशन, जांचों पर भी लगेगा शुल्क। खाकी पर क्राइम का दाग, झांसी में जवानों के कारनामे से बदनामी, थाने में फायरिंग, रेप छेड़छाड़ जैसे मामलों से घिरे पुलिस वाले। बलिया में हेडमास्टर सस्पेंड, शिक्षकों का रोका वेतन, छात्र को कमरे में बंद करने के मामले में हुई कार्रवाई। महोबा में कलेक्ट्रेट में बाबू ने मांगी रिश्वत, 500 रुपए मांगी रिश्वत, कम देने पर फेंके पैसे, परिवार न्यायालय में तैनात है बाबू। गोंडा में डीएम ने नोडल अधिकारी के साथ की बैठक, भू जमीन बचाने के लिए महिलाओं की अधिवक्ता और अधिकारी से अधिक भागीदारी की अपील। रामपुर में सामूहिक विवाह समारोह में दुल्हन की पिटाई, बहन और परिजनों ने जड़े थप्पर, दुल्हे से नाखुश थे। आजमगढ़ में युवक ने लगाई फांसी, पत्नी से झगड़ा हुआ था, गुस्से में साड़ी का फंदा बनाकर दे दी जान। किशोरी निकली 6 माह की गर्भवती, दुष्कर्म की आशंका जताई गई, युवक 6 माह से कर रहा था शारीरिक शोषण, मानसिक रूप से दिव्यांग है किशोरी। फरुखाबाद में पिता भाई को लाठी डंडों से पीटा, घर में जमीन को लेकर चल रहा था विवाद, गाली गलौज के बाद किया हंगामा।
रायबरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच चली गोली, दो बदमाशों के पैर में लगी गोली, एसओजी का एक सिपाही भी घायल। डाइनिंग टेबल पर साथ आए विरोधी, राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी के समर्थन में राजा भैया शिवपाल राजभर ने किया जिताने का वादा। देवरिया में सेंट्रल पीस कमेटी की हुई बैठक, डीएम ने कहा सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाए त्योहार। ललितपुर में युवक ने महिला से किया रेप, विरोध करने पर दी पति को जान से मारने की धमकी, महिला ने एसपी से लगाई गुहार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की सपा विधायक नाहिद हसन की जमानत अर्जी, कहा जमानत मिलने पर गवाहों को धमका सकता है। उत्तराखंड में स्वाइन फीवर की दस्तक, 192 सुअरों की मौत, रोकथाम के लिए सभी जिलों को दिशा निर्देश जारी किए गए। कावड़ियों पर हेलीकॉप्टर से होगी पुष्प वर्षा, तैयारियों को लेकर सीएम धामी ने ली समीक्षा बैठक। दवा कीमतों पर लगेगी लगाम, पहली बार कमेटी बनाने की कवायद, मनमाने तरीके से कीमतें नहीं बढ़ा पाएंगे विक्रेता। पहाड़ से लेकर मैदान तक भारी बारिश, मलबा और बोल्डर आने से 11 स्टेट हाईवे बंद, टिहरी झील का जलस्तर बढ़ा। प्लास्टिक कचरे को लेकर हाईकोर्ट सख्त, राज्य सरकार को दिए 3 सप्ताह में निपटारा करने के निर्देश। उत्तराखंड में फिर बढ़ा बिजली संकट, छोटे और बड़े कस्बों में भी करीब 2 से 3 घंटे की कटौती। कांग्रेस पर झलक रही है हार की बौखलाहट, बीजेपी मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान का कांग्रेसियों पर पलटवार। बरसात के बाद उत्तराखंड में डेंगू बढ़ाएगा मुश्किल, सरकार ने जारी किया अलर्ट। हरिद्वार में बेटे के आत्महत्या करने के बाद माता पिता पर केस दर्ज, बहू ने दर्ज कराया केस। कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत पर हमला, यदि वास्तव में वो सही है तो मेरी तरह जांच की मांग करें। मरीज घर बैठे करा सकेंगे इलाज, दून मेडिकल कॉलेज सहित 100 अस्पतालों से मिलेगी ऑनलाइन टेली मेडिसिन की सुविधा। दो युवतों समेत युवतियों समेत 5 लोग गिरफ्तार, शराब के नशे में किया अपराध। आक्रोश, उत्तराखंड के कोटद्वार में अफ्रीकन फीवर से 75 पालतू सुअरों की मौत, अब पशुओं को बाड़े में रखने के निर्देश।
हम दिल से जापान के लोगों के साथ। शिंजो आबे की मौत पर क्वाड ने जताया शोक। रूस यूक्रेन युद्ध पर एकमत नहीं हो पाए G20 देशों के विदेश मंत्री। इंडोनेशिया ने की भावुक अपील। श्रीलंका के कई इलाकों में कर्फ्यू, विरोध प्रदर्शन के चलते लिया गया फैसला। कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। भारतीय मूल के ऋषि सुनक ने ब्रिटेन के पीएम पद के लिए दावेदारी पेश की। बोले, सही निर्णय लेने का समय। कुरान और पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ केस करना चाहते हैं डच सांसद गिल्ट बिल्डर्स। कहा, इसके बिना समाज अधिक स्वतंत्र होगा। सिर्फ एक विचार। मस्क ने ट्विटर डील कैंसिल की। बोले, कंपनी ने फेक अकाउंट्स की जानकारी नहीं दी। इसकी संख्या 5% से कम करने में नाकाम रही। शिंजो आबे हत्याकांड नेशनल पुलिस एजेंसी करेगी जांच। कातिल ने कुछ दिनों पहले थकान के बहाने छोड़ी थी जॉब। पुतिन की चेतावनी। बोले, प्रतिबंध जारी रहे तो यूरोप को अंजाम भुगतने होंगे। डोनेस्क में रूसी हमले में 5 की मौत। शिंजो आबे की हत्या के बाद एक्शन में जापान। पीएम किशिदा के आदेश पर शीर्ष नेताओं की सुरक्षा बढ़ी। रूस ने साधा अमेरिका पर निशाना। कहा, आपसी संपर्क बंद करने की पहल उनकी तरफ से हुई। म्यूचुअल फंड पर भरोसा बरकरार। 5.55 करोड़ के ऑल टाइम हाई पर पहुंचे SIP खाते। 12,276 करोड़ का हुआ निवेश। दोस्ती पर जरूरतों को तरजीह। प्रतिबंधों के बाद भी रूस से क्रूड खरीद रहा भारत। पुरानी गलतियां दोहराना नहीं चाहता। RBI ने रामगढ़िया सहकारी बैंक पर लगाए कई प्रतिबंध। 50,000 से ज्यादा राशि निकालने पर रोक। ED ने एमनेस्टी इंटरनेशनल और उसके पूर्व CEO आकार पटेल को FEMA के तहत भेजा नोटिस। विदेशी मुद्रा कानून के उल्लंघन पर भेजा नोटिस। TCS को जून तिमाही में 9,519 करोड़ रुपए का हुआ मुनाफा। TCS बोर्ड ने शेयर धारकों को 8 रुपए प्रति शेयर की दर से डिविडेंड देने की भी मंजूरी दी। दिल्ली हाई कोर्ट ने वीवो कंपनी की याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने की अनुमति दी। कोर्ट ने नोटिस जारी कर ED का भी पक्ष पूछा। एलन मस्क ने $44 बिलियन की ट्विटर डील तोड़ने का किया ऐलान। कंपनी करेगी मुकदमा। क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आने वाली है कार्डानो की लहर। कार्डानो में होने वाला है हार्ड फोर्क अपडेट। 3 हिस्सों में बांटा। क्रिप्टो करेंसी मार्केट संभली। बिटकॉइन ईथर समेत पॉपुलर ऑल्ट कॉइन्स में बढ़ी बढ़त। कमोडिटी स्ट्रेटजिस्ट माइक मैकग्लोन का बड़ा बयान। कहा, अगले 6 महीने क्रिप्टो मार्केट के लिए होंगे बेहतर। भारतीय फैंस पर नस्लीय टिप्पणी करने वाला शख्स गिरफ्तार। एजबेस्टन टेस्ट के दौरान की थी टिप्पणी। बर्मिंघम पुलिस ने की गिरफ्तारी। अगले महीने जिम्बाब्वे का दौरा करेगी टीम इंडिया। 18, 20, 22 अगस्त को 3 वनडे खेले जाएंगे।
हरारे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होगी सभी मुकाबले। दूसरे टी20 से पहले डेविड मलान का बड़ा बयान, कहा कोहली बेस्ट हैं, जरूरी नहीं कि वो शतक लगाएं लेकिन टीम को मजबूती देंगे। विराट कोहली को कपिल देव की बड़ी चेतावनी, कहा टेस्ट से अश्विन बाहर हो सकते हैं तो टी20 से कोहली क्यों नहीं। सौरभ गांगुली ने कहा 7 सीरीज में 7 कप्तान आदर्श नहीं लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। पाकिस्तानी विकेटकीपर का 1 लाख का बकरा चोरी, कामरान अकमल बकरीद पर देने वाले थे कुर्बानी, सुबह सुबह चोर लेकर भागे बकरा। मैनचेस्टर यूनाइटेड में एक ही बॉस एरिक ने परफॉर्मेंस सुधारने बनाए 5 नियम, मीटिंग मिस की तो बाहर, पर्सनल शेफ नहीं शराब भी बैन। उन्नीस महीने बाद स्वीट स्मिथ का टेस्ट में शतक, श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में किया कारनामा, विराट का रिकॉर्ड तोड़ा। लंदन की सड़कों पर गांगुली ने लगाए ठुमके, तू मेरा हीरो गाने पर थिरके बीसीसीआई प्रेसिडेंट बेटी सना और पत्नी डोना भी रही मौजूद। सात साल बाद लौटे नेशनल गेम्स, गुजरात करेगा मेजबानी, 22 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच 5 शहरों में होगा आयोजन। आलिया भट्ट ने पूरी की हार्ट ऑफ स्टोन की शूटिंग, गायल गिडोट के साथ फोटो शेयर कर रणबीर से बोली मैं घर आ रही हूं बेबी। साउथ स्टार विक्रम की तबीयत बिगड़ी, PS1 के टीजर रिलीज इवेंट से पहले हुए बीमार, चेन्नई के हॉस्पिटल में चल रहा इलाज। कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर पर आरोप, विवेक अग्निहोत्री ने नहीं दिए स्क्रिप्ट सुपरवाइजर के 1.5 लाख रुपए, प्रोड्यूसर्स संगठन इम्पा में हुई शिकायत। अमरनाथ में बादल फटने की घटना पर अक्षय कुमार ने व्यक्त किया दुख, लोगों की सुरक्षा के लिए की प्रार्थना। बाहुबली के फैंस ने किया PSI को ट्रोल, बोले बाहुबली के विजुअल और वीएफएक्स तक के करीब नहीं है मणिरत्नम की ये फिल्म। अभिनेत्री पायल रोहतगी और संग्राम लेंगे 7 फेरे, आगरा में 850 साल पुराने शिव मंदिर में की पूजा, 12 साल पहले हुई थी मुलाकात। PS1 का टीजर हुआ रिलीज, क्वीन के अवतार में नजर आई ऐश्वर्या राय, 30 सितंबर को सिनेमाघरों में आएगी फिल्म। रणबीर कपूर ने उड़ाया खुद का मजाक, शमशेरा के प्रमोशन वीडियो में डबल रोल में दिखे एक्टर, बताई इंटीमेट वेडिंग की वजह। लाइगर के गाने की पहली झलक, विजय देवरकोड़ा की लाइगर का पहले गाने का टीजर हुआ रिलीज, अनन्या पांडे के साथ डांस करते नजर आए एक्टर। टाइगर श्रॉफ के साथ स्क्रीन शेयर करेंगी रश्मिका मंदाना, शशांक खेतान की एक्शन ड्रामा फिल्म साइन की सितंबर से शुरू होगी शूटिंग। शतक में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।